दिसंबर में आए। अच्छा, कितनी भैंस लगाए थे पहले? राहुल भैया से ली थी। राहुल भैया से सक्सेस हुई। अच्छा दूध दिया। कीमत में अच्छी लगी? वो कीमत में अच्छी थी। हाँ, इसीलिए आप दूसरी तीसरी बार पहुँचे हैं, है ना? तो राहुल भैया बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ग्राहक डबल तब आता है जब तीसरी बार आ रहे हैं। तो जब आते हैं, जब आपके इसमें कुछ क्वालिटी हो, भैंस अच्छी हो, ईमानदारी हो, भैया कम कीमत वाली बताओ आप। तो बस ऊपर तो बहुत मिलती है, कम बताओ। 65 की दिलाई, 55 की दिलाई। अच्छा, 65 और 55 की दे देगी? 4-4 लीटर दूध दिया, 5 लीटर दूध देगी। जय श्री राम, जय गौ माता। नमस्कार किसान साथियों, 11 अगस्त से धुंधड़ का पशु मेला देख रहे आप, जो कि डेयरी यात्रा नरेंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाया जा रहा है। दोस्तों, तो निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो जोरदार लाइक, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो रोजाना मध्य प्रदेश के अलावा भारत के अलग अलग कोने में जाकर आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, निवेदन है, चैनल को आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी जानकारी आप लोगों के पास लाते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका किसान साथी नरेंद्र प्रजापत, आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो निवेदन है, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक, यूट्यूब सभी को फॉलो करें, अपनी राय जरूर कमेंट्स में बताएं। तो दोस्तों, अपडेट देते हैं इस मंडी का, जो कि 11 अगस्त से लाइव दिन रविवार, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश राज्य की और भारत की फेमस पशु मंडी देख रहे हैं आप। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया जाएगा, वो कोशिश रहेगी पूरी सत्यता के साथ आप लोगों तक शेयर करें। अगर कोई गलती हो तो आप क्षमा करना। मारवाड़ से देखिए गाड़ी अनलोडिंग हो रही है, सुबह का समय हो चुका है, और मंगल भैया सुबह का समय हो रहा है, करीब 8 बज रहे हैं। तो देखिए अनलोडिंग गाड़ी हो रही है, जो आप लोगों को दिखाई जा रही है। भोपाल के तहसील से भोमा जाट की हाँ, भोमा जाट की भैंस देख रहे हैं आप, जो अनलोडिंग हो रही है। भैया लेट हो गया क्या? लेट हो गया, आज गाड़ी का कोई टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हो गया। तो अच्छी खासी भीड़, और करीब करीब अगस्त का दूसरा हाट देख रहे हैं आप, और राखी के पहले पहले लगने वाला हाट है ये, शायद एक हाट और लगेगा। तो बड़ी तादाद में भैंसों की संख्या पहुंची है, जो हम आप लोगों को पूरा अपडेट देने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक, वीडियो देखेंगे तभी यहाँ की बारीकी आपको पता चलेगी। और दोस्तों, निवेदन है, किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जरूर संपर्क करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं मंडी में। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को फायदा करेगी, अगर फायदा करे तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। और चलते हैं मंडी में और अपडेट देते हैं। तो देखिए, इस साइड एक लाइव सौदा चल रहा है। तो सचिन भैया, कौन सी भैंस है ये दोनों? सचिन भैया उज्जैन से हैं, जिनकी भैंस देख रहे हैं हम, और पूरी डिटेल लेते हैं। मत करो, मैं कह रहा हूँ सौदा मना लो। क्या मांग क्या सचिन भैया दोनों की? 1,75,000 इन दोनों भैंस की मांग है। देखिए आप, दादा उधर चलाओ, पलटा उधर, देखते हैं पहले भैंस को, आप लोगों को दिखा देते हैं। सींग रिंग तो बढ़िया, फेस क्वालिटी बढ़िया, एक दुजात में एक तिजात में, और मीडियम रेंज की भैंस है, अच्छी है। तो ये लाइव सौदा इस साइड चल रहा है। एक 75 मांग रखी है, और शायद सेल हो गई है। गाभन भैंस
सचिन भैया दो ही गाबन है ना? आप ले रहे हो? कहाँ से हो? इस्लामपुर। कहाँ है ये? ये आलोड के पास। क्या लगा है? अच्छा बढ़िया कीमत बेचने के लिए ले जा रहे हो? चलो ठीक है। तो भैया खरीद रहे हैं 1,75,000 रुपए बता रहे हैं। अब देखते हैं बैठक पर जो भी होता है। और अरे मत करो लगी, मैं कह रहा हूँ लगा लो। तो दोस्तों मैं डिक्लेयर बता दूं, ये वैसे करीब 1,60-65 के समथिंग मान के चले आप, 80-82 हज़ार रुपए के समथिंग मांग रखी है इन्होंने। सेल कर दी है सचिन भाई ने। सचिन भैया कर दी दोनों? नहीं करी भैया। हाँ भैया टाइट मंडी। टाइट है आज? क्यों यार? सुबह सुबह तो रहेगी यार दादा। ऐसा? तो दोस्तों टाइट मंडी सुबह सुबह रहती है और अच्छी ले ली क्या? कौन सी? हाँ देखते हैं ये भैंस। ये भी ये जोड़ता लगा था वही है ना? तो ही अलग से है? अलग से है। ये भी गाबन है? गाबन है, छेदात काड़ी है जी, पेलोट है। क्या मांग है इसकी? 90,000 मांग। पेलोट पाड़ी अच्छी पाड़ी है, देखिए आप। अगर रिंग सिंग फेस क्वालिटी बढ़िया, अगर नीचे से देखते हैं तो करीब 8 दिन के लगभग की देर है, ये भी नट रहा है। मिल सकती है 75-80 हज़ार के समथिंग। जी भैया आपने लगाया था? और बढ़िया। नाम आपका? शंकर सिंह। शंकर सिंह। शंकर सिंह जी, जय श्री राम दादा। आप कहाँ से? मानपुर के पास दर्जनपुरा। मानपुर? मानपुर से पहुँचे हैं भैया। तो दोस्तों वीडियो आपको शुरू शुरू सही नहीं लगेगी क्योंकि लई में आने के लिए 10 मिनट लगता है। 10 मिनट बाद भी वीडियो का मजा आएगा। देखिए जहाँ तक देखेंगे भैंस दिखेगी आप लोगों को। देखिए आप, बहुत बढ़िया बढ़िया भैंस पहुँची है धुंधड़ का मेले में और हर तरह की भैंस मिल जाती है। एक छोटा सा निवेदन है कि भारत के कोने कोने में मैंने मैसेज छोड़ा था जिसमें मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग हमारे साथ जाफरी भैंस खरीदने जा रहे हैं गुजरात। तो दोस्तों आज शाम तक जिसे भी चलना है गुजरात आप कांटेक्ट कर ले। करीब मंगलवार या बुधवार को निकल रहे हैं जाफराबादी भैंस लेने गुजरात के लिए, तो ज़रूर आज शाम तक सभी 8 बजे बाद कॉल कर ले। हाँ भैया कौन सी भैंस कर रहे हो? कौन सी वाली? भैया की भैंस है यहाँ। ये वाली? हाँ मुस्तफा गाबन है। देखते हैं ये गाबन भैंस, अगर आगे से देखें तो भैंस बढ़िया है, पीछे की क्वालिटी। एक मिनट रुकना भैया, अच्छी भैंस है, हाइट में भी बढ़िया और दुजांत है। सेकेंड लैक्टेशन जो मैंने पहचाना। और भैया एक्चुअली मांग क्या कर रहे हैं? मांग 1.5 कर रहे हैं। और दूध? दूध तो दे देगी 6-6 लीटर। 6-6 लीटर दे देगी। अच्छी भैंस है दोस्तों वास्तव में। और कब तक ब्याएगी है? 6-7 दिन में ब्याएगी। 6-7 दिन में बढ़िया भैंस। ये भैंस देखे आप, ये भी शायद गाबन है क्या? जनी हुई है और एक थन थोड़ा मोटा लग रहा है। और भाई इसकी मांग? इसकी मांग कर रहे 85,000। 85,000 मांगे, बढ़िया भैंस। तो दोस्तों धुंधड़ का पशु मेले में पहुंचने के लिए आप निकटतम रेलवे स्टेशन मंदसौर जंक्शन और रतलाम जंक्शन है। दादा कितनी भैंस है आज? पूरी गाड़ी है। पूरी गाड़ी है।
पूरी गाड़ी लेकर पहुंचे हैं जो राजस्थान से आते हैं, नागौर से आते हैं। बड़ी भैंस कौन सी है अभी? उस साइड है वो तो की बात। तो दोस्तों इस बड़ी वाली भैंस को कवर करते हैं जो नागौर की भैंस है। और देखिए हाइट बढ़िया है, फुल हाइट की भैंस देख रहे हैं आप वीडियो के माध्यम से। डेढ़ लाख मांगे उसकी। दूध 10 लीटर इसका। हाँ इसका। कब की जनी है ये? 7 रोज पाड़ा एक पाड़ी पाड़ा पाड़ा है। 7 रोज की जनी हुई, लगभग तीसरे लैक्टेशन में ब्याई हुई भैंस है। और डेढ़ लाख मांग रखी है। डेढ़ लाख मांग रखे है। लेने देने की क्या है? लेने देने की अब क्या कह रहे हैं? तो दोस्तों बैठक पर जो भी मान सम्मान होता है, करीब आप मान के चले आप 1 लाख लगाओ, 80,000 लगाओ, लेकिन जो भी होगा वो बैठक पे होता है। वो रखती है कीमत 1.10 के आसपास। एक और भैंस देखते हैं, गाबन है, रिंग सिंह बढ़िया, बड़ी भैंस हाइट में और अच्छी खासी भीड़ भैंस को खरीदने के लिए। गाबन का क्या मांग रहे हो? 140। आपका नाम? मेरा नाम अनिल। कहाँ से हैं आप? नागौर जिला से। नागौर जिले से हैं। बढ़िया भैंस। इसको खोल रहे? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो भैया कौन सी देख रहे हो? ले रहा, खरीद रहा। अच्छा, आपका नाम? सोहेल। कहाँ से हैं? आष्टा से। सोहेल भैया आष्टा से हैं और ये बड़ी वाली भैंस पसंद कर रहे हैं, जो देखिए आप अच्छी खासी हाइट और अगर 140 मांग कर रहे हो बोल रहा है। हाँ, मांग कर रहे हैं जो अभी हमने देखी थी। अच्छा, आप कितने लगा रहे हैं? 1.5 बोल दिया। छूट रही है वो 140 पे बैठे अभी। 140 पे देखिए आप, अगर नीचे से देखते हैं थन बढ़िया है, अच्छा स्पेस। आपकी भाव जी? एक ही लेना दीदी, एक ही लेना है। ये वाली इसकी क्या है दादा? इसका 1.70 मांगो। 1.70 मांग रहे हैं। एक मिनट, 1.70 मांग। और लेने देने की क्या दादा? लेने देने की 1.50 में दे दिया। हाँ भैया, कहाँ से बता रहे हो? बेपालपुर में। कहाँ से? ओसरा से आए हो। नाम आपका? किशोर परमार। ली भैंस? अभी नहीं ली। कितनी ले जाओगे आज? दो भैंस। यहीं से ले जाते हर बार? सस्ती पड़ती है। देपालपुर से? देपालपुर से टाइट है आज। यहाँ टाइट है? देपालपुर से आज धुंधड़का में टाइट है। तो देखिए दोस्तों, देपालपुर से आज बता रहे हैं भैया धुंधड़का में टाइट मिल रही है भैंस। और आगे बढ़ते हैं तो कुछ 10-20 बड़ी भैंस और 10-20 छोटी भैंस कवर करते हैं। बड़ी भैंस नागौर। और देखिए भैया ने जो खोल के दिखाई है भैंस, पहले रिंग सिंह बहुत बढ़िया क्वालिटी, तीसरे लैक्टेशन में ब्याई हुई भैंस लग रही है, बहुत बढ़िया आर्डर क्वालिटी है। और पूरी डिटेल लेंगे तो दादा आपकी है। नाम आपका? राजू। कहाँ से हैं? हम कुचेरा से, लेमड़ी से। हो क्या मांग कर रहे हो इस भैंस की? 1.25 लाख। 1.25 लाख। दूध कितना दे देगी ये? दूध 7 किलो। 7 किलो। हम बता रहे कीमत तो गिरा का ये हंडसन मांग रहे तो फिर गिरा भी। हाँ, नागौर जिले। अच्छा, कितने में हो जाएगी दादा? 1.25 लाख। नहीं, मांग तो 1.25 लाख है, तो लेने देने की क्या रहेगी? लेने की हो जाएगी 1.10-5। 1.10-5 तक। अच्छी भैंस है। भैया कितनी लाते हो भैंस? 8 भैंस। हर 8 आते हो? हर 8 आते। कम कीमत में भी रखते हो? हाँ रखते हैं। ये 60-65 तक की है? ये बेची 70,000। ये 70,000 की बेची। देखिए दोस्तों, ये 70,000 में भैंस बिकी है। गाबन है? गाबन है। अगर पीछे से देखते हैं हम तो बढ़िया भैंस है। तो दादा आप वीडियो देख के आए? कहाँ से आए हो?
कहाँ से? भोपाल जिला इचगिरी गांव हरगड़ा से आगे। भोपाल जिला गांव कौन सा? इचगिरी हरगड़ा से आगे। अच्छा, नाम आपका? कौशल सिंह। ली भैंस आपने? हाँ, दो भैंस खरीदी। अच्छी कीमत में मिली? हाँ, फायदा हुआ कुछ यहाँ आए तो? नहीं, फायदा तो हुआ है। होता है। कौन सी ली? ये वाली। एक तो ये वाली है। ये कितने में ली? जी 80,000 खरीदे। 80 खरीदी है। अच्छी बड़ी भैंस है। 80,000 जनी हुई है? गाबन है? नहीं, गाबन है। गाबन है। तो देखिए दादा, यूट्यूब देख कर आए थे और उन्होंने अच्छी भैंस खरीदी 80,000 में। अगर नीचे से देखिए हम तो गाबन भैंस है, करीब है 5-7 रोज की दे रहे ना। और वो वाली कितने में ली? एक और उसकी कीमत थोड़ा ही 70 की, लेकिन उसके 20,000 रोक रहे हैं अपन। रोक रहे हैं तो अगर दे देगी पूरा। अच्छा अच्छा, 70,000 रुपये भेजा देंगे। ठीक है दादा, आप भी भोपाल से आए हो? अच्छा, आपकी वीडियो देखी, आपने एक बात बोली बहुत अच्छी बोली। कौन सी? व्यापारी से बोला चला आप झूठ बोल रहे हो। 2,00,000 की बनाऊंगा, आप 2,00,000 की कराऊंगा। ठीक है, वीडियो देखता हूँ आपकी, सब्सक्राइब करूंगा। पसंद आती है? एक नंबर, एक नंबर आती है। अभी आपने डाली थी वो 20 मिनट में वो भेजी थी। हाँ, डाल वो भी देगी। फिर कल आपने जाफराबादी वाली डाली थी, बस वीडियो है। धन्यवाद भैया, आप जो बता दो वो सही बता दो। बिल्कुल सच। देखो कोशिश वही करते हम कि अच्छी जानकारी दे। निकालो ना बाहर। ठीक है भैया, मिलते हैं। तो एक बराबर एक भैंस पहले ये कवर करते हैं, उसके बाद एक बड़ी भैंस भी कवर। अच्छा भैया, इधर चलाओगे क्या? हाँ चलाएंगे ना। देखिए आप देसी क्वालिटी में है जो 24 किलो दूध करती है। 24 किलो 12 सुबह 12 शाम को, और 10 दिन में भी आएगी। अच्छा, 10 दिन में भी आएगी। अभी गाबन है? हाँ, गाबन है। मांग क्या है? मांग 25 की। 125। अच्छी भैंस है। और भैया 12-12 लीटर दूध बता रहे हैं, लेकिन इतना नहीं हो सकता है। नहीं, 12 किलो जवाबदारी है। क्या आधा पेमेंट रोकोगे? बुलाऊं ग्राहक? अच्छा, आधा पेमेंट रोकेंगे इसमें। 12 लीटर दूध दे देंगे? 12 लीटर शाम को 12 सुबह 12। अच्छा, 24 लीटर दूध। कहाँ से आप? हम दलोदा से। दलोदा से। नाम आपका? कमलेश। नाम कमलेश भैया दलोदा से हैं, और अच्छी भैंस लेकर आए हैं। बढ़िया, चल रहे हो क्या गुजरात? हाँ। भैंस लेने कहाँ से हो आप? आगर मालवा। अच्छा अच्छा, तो जा रहे हैं भैया परसों, मतलब मंगलवार शाम या बुधवार को जाफरा भैंस लेने। कॉन्टेक्ट करना आप जैसा भी हो शाम को, है ना। तो दोस्तों जाफरा भैंस खरीदने चलना है तो आज शाम तक आप कॉन्टेक्ट कर ले, और देखते हैं हम कौन सी भैंस है भैया। ये वाली बढ़िया भैंस, अगर देखी जाए तो रिंग सिंह मुर्रा और करीब 3rd लैक्टेशन में ब्याई हुई भैंस देख रहे हैं आप। अगर पीछे से कवर करते हैं हम तो देखे करीब करीब दूध में है 6-7 लीटर आराम से निकालेगी। अच्छी भैंस है, तो लेते हैं जानकारी। दादा आपकी है? क्यों? अपनी भैया। कहाँ से हो आप? प्रतापगढ़ से। नाम आपका? भूरा भाई। भूरा भाई क्या कीमत कर रहे हैं इसके? 2-10 कर रहे भैया मांगने के। हाँ। कितना दूध दे देगी? 14 लीटर दूध भैया। 7-7 किलो 7-7 लीटर दूध चाहिए। तो कीमत ज्यादा भैया? भैंस दूध कम, दूध पाड़िया भी, लेकिन दूध कम है। 7-7 लीटर ताजी है ना, दूध तो दे देंगे। 16 लीटर दूध दे देगी भैंस। 16 लीटर पाड़ी भी देखो मेरा अगले बड़ा मेरा। अच्छी है पाड़ी आपकी, लेकिन कीमत कीमत बहुत ज्यादा है। मांग और लेने देने के हिसाब से नहीं है मांग आपकी। भैया का हाथ में हो? नहीं, हाथ में है, लेकिन क्या है कि देखो वाजिब दाम मांगो ना आप। 190 दिला देना जाओ। अच्छी भैंस है बोला भैया, बहुत बढ़िया। छूट सकती है दोस्तों 125 तक के आसपास। तो किसान भाइयों, धुंधड़ का पशु मेले में हर रेंज की भैंस मिल जाती है आप लोगों को। अगर बात करें तो देसी क्वालिटी वाली भैंस 35-40 हज़ार से स्टार्टिंग होती है, जो कि मुर्रा में जाफरा तक 2-2 2.5-2.5 लाख तक की भैंस मिलती है।
तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप या तो राहुल भाई से भी कांटेक्ट कर सकते हैं 8319984072, या मंडी में आए, भैंस खरीदे, थोड़ी सी सावधानियां बरते, अनुभवी व्यक्ति साथ लेकर आए। कौन सी दादा ये खरीदी है आपने? हाँ। कहाँ से आए हो? हम आए दत्तोदा इंदौर। दत्तोदा से आए हो? हाँ। कितने में ली दादा ये खरीदी? दोनों 140,000 की। दोनों? हाँ। अच्छी भैंस है दोनों, 140,000 मतलब 70-70 मान के चले, बढ़िया भैंस। फोटो आना चाहिए सबका हमारा। किनकी भैंस देने वाले? इनकी है। हाँ। कहाँ से हो दादा आप? हम नीमच के पास बात भी प्लेयर थे। नीमच से हो? क्या मांगे थे बाबूजी ने? बाबूजी ने मांगे थे 160,000। 160? हाँ। भैया दत्तोदा से हैं जो इंदौर के पास रहने वाले हैं, और 140 कीमत बता रहे हैं दोनों की, बढ़िया। वीडियो बनवा लो। ये बिक गई? नरेंद्र भैया। दादा राम राम। कितने में बिकी है ये? 260 है। 258,000। तो देखिए दोस्तों, अगर कम रेंज की भैंस आपको दिखाते हैं 58,000 में कब, और दूध कितना दे देगी? किसकी है ये? ये उस्मान भाई की। उस्मान भाई की? आपने ली क्या? नहीं, ये पापा का नाम है उस्मान भाई। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया भैंस अगर देखी जाए तो। हाँ भैया, नीमच के पास जी बाघ पिपलिया हवाई पट्टी है। हाँ। वहीं पे गांव में बाघ पिपलिया। अच्छा अच्छा, वहीं के रहने वाले। तो आगे से देखते हैं 58,000 वाली भैंस। देखिए दोस्तों, आराम से 4 लीटर दूध निकाल सकती है, और ऐसी भैंस खरीदने में फायदा होता है। ये 70,000 वाली भैंस की मिल्किंग चल रही है, ये 58,000 वाली भैंस देख रहे हैं आप वीड़ियो में। तो धुंधड़का में हर तरह की भैंस मिल जाती है, कांटेक्ट करें, सस्ती महंगी सभी तरह की भैंस खरीदने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया है। देखिए मिल्किंग हो रही है, जो देखिए आप, बहुत बढ़िया धार चल रही है, और करीब करीब अभी 3 लीटर के आसपास दूध हो चुका है। भैया कितना दूध दे देगी अनुमान? 6 किलो। एक टाइम का? एक टाइम का 6 किलो अभी है। अच्छा जी। तो 6 किलो दूध बता रहे हैं, कीमत 70,000 रुपये, बढ़िया। गाबन भैंस खड़ी है इधर जो जनने वाली है, अच्छी पाड़ी है ये भी। तो एक भैंस सेल आउट देखते हैं। भैया किन्ने खरीदी? इन्ने? भैया कहाँ से हो? इंदौर। कहाँ से? इंदौर में? सिमरौल। सिमरौल से हो? कितने में लिए? 125 में। अच्छी भैंस है। और आपकी थी भैया? हाँ। क्या नाम है? सद्दाम भाई। कहाँ से? गुलाबपुरा अजमेर। गुलाबपुरा से। कितना दूध दे देगी भैया ये? दूध दे देगी कुछ भी 9 किलो टाइम का। एक टाइम का 125? 125 में दी। बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी। दुजात बता रहे हैं भैंस, लेकिन मेरे अनुभव से तिजात है, और कीमत भी बढ़िया है। गाबन है क्या? गाबन है अभी। ठीक है, चला दो और थोड़ी ऊपर ले जाओ। अच्छी भैंस है। तो दोस्तों बहुत भीड़ दिखी है मेले में आज, देखिए आप अगर देखते हैं तो, और समय सुबह सुबह का है, और कुछ दूरी पर राहुल भैया दिखाई दे रहे हैं जिनका इंटरव्यू लेंगे। तो दोस्तों बने रहिए और वीडियो देखेंगे, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि भैंस की ओरिजिनल कीमत क्या होती है जो राहुल भैया के तोड़ बट्टे में दिखाई देती है। तो पूरी टीम के साथ खड़े हैं राहुल भैया। जय सांवरिया सेठ। और सभी लोग कहाँ से पहुँचे हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से पहुँचे हैं? महाराष्ट्र में कहाँ से? जलगांव से आए हो? चोपड़ा। अच्छा अच्छा, सभी आप महाराष्ट्र से हैं? कितने लोग हैं आज?
सात कितनी भैंस लोगे? सात तो लोगे? नो ले ली? दो लिया। अभी नहीं लिया? दो लिया। अच्छा ले लिया। हाँ राहुल भैया भैया ये कब आए पूछो ना, पहले आए क्या? अच्छा आप पहले आए थे क्या? पहले आए थे दिसंबर में। आए दिसंबर में? दिसंबर में मार्च में आए। अच्छा कितनी भैंस लगाए थे पहले? राहुल भैया से ली थी। राहुल भैया से सक्सेस हुई? अच्छा दूध दिया? अच्छा दिया। कीमत में अच्छी लगी? वो कीमत में अच्छी थी। हाँ, इसीलिए आप दूसरी तीसरी बार पहुँचे हैं, है ना? तो राहुल भैया बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ग्राहक डबल तब आता है जब तीसरी बार आ रहे हैं। तो जब आते हैं, जब आपके इसमें कुछ क्वालिटी हो, भैंस अच्छी हो, ईमानदारी हो। और भैया भाड़ा भी करा, ये फिरोज भी इनकी गाड़ी करवाई मैंने मेहता सूची से है। हाँ, इनकी गाड़ी भी मैंने करवा के दी इनको, एक दिन पहले ही करवा ली। अच्छा अच्छा, जो भी दूर से आते ना। हाँ, ये कल रात को ही बुकिंग कर ली थी। ऐसा तो कितने में जा रही गाड़ी? 26,000। 26,000 में कौन सी गाड़ी है भैया? आई सर कितने किलोमीटर हो जाएगा यहाँ से? हाँ चोपड़ा। हाँ यहाँ से चोपड़ा 350। 350 मतलब 700 किलोमीटर आना जाना। हाँ। है ना, 26,000 में जी। तो राहुल भैया भैंस तो दिखाओ कहाँ है, थोड़ी एक दो देखेंगे तब पता चलेंगे। चले एक भैया आप पार्ट टू डालोगे तो सारी भैंसे दिखा देंगे। अच्छा पार्ट टू में? तो दोस्तों पार्ट टू जब आएगा हमारा 2 बजे बाद वाला, सारी भैंसे दिखाएंगे आपको। अभी तक मैंने 6-7 भैंसे दिला दी सबको। अच्छा सब दिखाएंगे। सबसे कम कीमत वाली बताओ आप, तो बस ऊपर तो बहुत मिलती है, कम बताओ। 65 की दिलाई, 55 की दिलाई। अच्छा 65 और 55 की दे देगी? 4-4 लीटर दूध दिया? 5 लीटर दूध देगी। तो राहुल भैया कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति आपसे कब जुड़े? मेरे को भैया धुंधर का आना हो तो शनिवार को दिन फोन लगाए। शनिवार को? जैसे बाहर वाले हो तो शनिवार को कैसे लगाएंगे, शुक्रवार को शाम को तैयारी करनी पड़ती है। मगर वो मतलब पहले बात शनिवार को बोल देते हैं ना, बात तो पहले कर ले कभी भी। हाँ हाँ, तो शनिवार को बोल दे कि हम आ रहे हैं शनिवार। अच्छा अच्छा, फोन लगा के हम कल आ रहे हैं, इन्होंने भी पहले ही बोला था भैया। अच्छा तो दोस्तों कोई भी बाहर से आता है, कहीं से भी आता है, आप रविवार के दिन परेशान ना करें, या यहाँ पहुँचने के बाद भी परेशान ना करें, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा होने के कारण आप 1-2 दिन पहले कांटेक्ट कर ले। और स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है। और राहुल भी अगर शाम को आते हैं तो रहना रुकना खाना पीना व्यवस्था है क्या? दलौदा है ना पास में, दलौदा है, मिल जाती है। हाँ, कोई बाहर से आता है? हाँ, सारी व्यवस्था, ट्रेन भी आती है वहाँ पर। अच्छा, बस भी आती है, और खाने पीने की सारी व्यवस्था, सोने की सारी व्यवस्था मिल जाती है। अभी कोई भैंस खड़ी है जो ली या फिर या ले रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ अभी ले रहे हैं ना, ये के बाद आप जाना है। अच्छा चलो देखते हैं। तो देखते हैं एक भैंस अगर ये ले रहे हैं, वो भी हम लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाएंगे। और भैया किनको? ये भैया को भी, इनको बहुत बड़ी भैंस ली की फर्स्ट। कहाँ से आप? थांदला जिला जाबुआ। ले लिया आपने? कितने में ली? 1,40,000। 1,40,000 में? राहुल भैया कहाँ है? वो रामाकिशन की धामनी में अभी खड़ी है। अभी खड़ी है। तो पहले सौदा देखे, भैंस देखे? पहले सौदा देख लो। चलो हाँ ठीक है, चलो भैया। तो दादा 1,40,000 की भैंस ली तो क्या देगी वो दूध? मतलब कितना दे देगी? 7 लीटर तो दे देगी आराम से। 7 लीटर दे देगी? अच्छा तो महंगी लेने का पर्पस के शौक है? मतलब 1,40,000 की भैंस है? अच्छा बड़ी बड़ी रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भैंस इस साइड देखते हैं हम, ये जो गाबन है इसकी जानकारी लेते हैं। गाबन है बेचनी, क्या मांग रहे हो? 90,000। 90,000 कब तक जानेगी है? हाँ। और दूध कितना दे देगी? 7-7 लीटर बोलने का होता है तो, है ना? कीमत भी बोलने की होती है, दूध भी बोलने की होती है, है ना? ओरिजिनल कीमत 85,000 है। ठीक है दादा, ठीक। तो वापिस पहुँचे हम इस साइड में जहाँ राहुल भैया भैंस देख रहे हैं। पहले भैंस देख लेते हैं कौन सी भैंस है। और राहुल भैया कौन सी भैंस है? ये वाली। पहले आप भैंस देखिए। और करीब पहले आप भैंस देख ले, ये वाली भैंस है, मीडियम हाइट। और मांग क्या है उसकी? 1,00,000। 1,00,000 मांग है? 1,00,000 मांग रखी है दोस्तों। गाबन है भैंस, देखा जाए तो तौल पे आई हुई भैंस है, जो महाराष्ट्र वाले पसंद करते हैं।
और महाराष्ट्र वाले भैया ही खरीद रहे हैं, दूध दे सकती है 5 लीटर आराम से, कीमत में जाते हैं हम फाइनल, तो दोस्तों 85,000 के आसपास रखती है कीमत, अच्छी भैंस है साफ सुथरी। और जय जी राम राम, बढ़िया हो तो सौदा देखते हैं इस साइड। शायद राहुल भैया को सौदा नहीं जमा क्या? राहुल भैया महंगी पड़ रही, महंगी पड़ रही है। देखो महंगी पड़ेगी तो राहुल भैया सौदा नहीं करेंगे। डेली देखते हो? अच्छा, आपका बालक तो खोल के रखता है। कहाँ से हो भाऊजी? सियालपुर के पास, काला पीपा विधानसभा से। क्या नाम है आपका? हिम्मत सिंह राजपूत। यहीं से ले जाते हो भैंस? करीब कितने साल से आ रहे हो आप यहाँ? चार साल से। फायदा मिलता है? मिलता है। ठीक है भैया, ठीक। देखिए दोस्तों दो भैंस बहुत बढ़िया घूम रही है इस साइड। एक शानदार पेलोट झोटी जो टॉप क्वालिटी की मुर्रा है, पेलोट है ना? ना पेलार दे। क्या कीमत कर रहे हैं? कीमत कर रहा है 1,000। चलाओ भैया थोड़ी उस साइड, अच्छी है दोस्तों, टॉप मुर्रा क्वालिटी और गाबन है और करीब 8-10 दिन की देर है, अच्छी भैंस है। अभी क्या है इसका लेने देने का? लेने देने का 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये कहाँ की है भैंस? मेड़ता सिटी की। मेड़ता से? आप खुद, आपकी है खुद? हाँ, मेरी खुद। क्या नाम है? शाहरुख नाम है। शाहरुख, ठीक है भैया। मोबाइल नंबर लो। मोबाइल नंबर? हाँ भैया, कहाँ से हो? मांझीखेड़ी। मांझीखेड़ी कहाँ है ये? आगर जिले। बेचने आए ये? खरीदी? बेचने। क्या मांग रहे हो भैया? 1,20,000। दूध? 6-6 किलो। चला उधर 6-6 किलो दूध बता रहे हैं, 1,20 मांग। और दुजात झोटी देख रहे हैं आप, अच्छी है ये भी, बढ़िया। क्या है लेने देने का? लेने देने का जो भी हो जाए। फिर भी अपने एक के आसपास। नाम आपका? देवेंद्र सिंह। ठीक भैया। अरे यार भैया, कहाँ से हो? छोटी खरगोन से है ना? खरगोन। अच्छा अच्छा, अपनी भैंस है क्या? ली है। व्यापार करते हैं? व्यापार करते हो? कहाँ करते हो व्यापार? घर से बिकती है अपनी? घर से? हाँ, मारवाल की भैंस। आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो देखिए आप बहुत बढ़िया भैंस देख रहे हैं, कीमत अगर करें भैया तो क्या कितने में ली? 85 की। ठीक भैया। तो दोस्तों इस वीडियो को एंडिंग करने से पहले एक राहुल भैया का सौदा देखना पसंद करेंगे, जो आप लोगों को घर बैठे पता चले कि राहुल भाई क्या वास्तव में कैसी भैंस खरीदते हैं और किस तरह से डिस्काउंट करते हैं। 1,000 रुपये अगर फीस देते हैं तो कितनी गारंटी लेते हैं। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं आप राहुल भैया से ही भैंस खरीदे हाट में, किसी से भी खरीदे, लेकिन अच्छी देख परख कर, जान परख कर भैंस खरीदे। हाँ भैया, आपकी कौन सी भैंस है? कहाँ से आए हो? बोतलगंज से। कहाँ है ये? मंसूर के पास। अच्छा अच्छा, कितनी लोग हैं? दो भैंस। आप कहाँ से आए हो? मैं पलासिया से। कहाँ है ये? ये अपने पास ही, दलोदा के पास। जयराम जी की कहाँ से बता रहे हो? बड़वा तहसील। बड़वा तहसील? बड़वा, ओंकारेश्वर मतलब? हाँ, ओंकारेश्वर। ठीक है भैया। दोस्तों एक बड़ी भारी भैंस देख रहे हैं आप, जो दादा आपकी है? हम लेने आए थे। अच्छा अच्छा, लेने आए हो। देखिए आप शायद गाबन है और भैया अपनी है? हनुमान जी की है। हनुमान जी की है? कहाँ हनुमान जी? हनुमान जी की है। अच्छा, मैंने ले लिया। कैसा राम जी? कैसे हो?
बढ़िया साहब। आज बिल्कुल ठंडे ठंडे बैठे हुए आज। ठंड लग गई क्या? अच्छा, अपनी है ना? हाँ। कितने दिन की कच्ची है? कच्ची है 15 दिन। खोलो इसको थोड़ी। 15 दिन की कच्ची भैंस देख रहे हैं आप वीडियो के माध्यम से। क्या और 1 लाख? बहुत जबरी भैंस है दोस्तों, हाइट भी अच्छी, पीठ पुट्ठा भी बढ़िया और दुजात में ब्याने वाली भैंस लग रही है। कैसा राम जी, कब तक ब्याएगी? 15 दिन ले ले। 15 दिन लेगी। बनेगा मांग? मांग तो लाख रुपया करा। अच्छा, लेने देने की? देने देने की कोई पार्टी आवे जब बात करा तब करोगे। हाँ। दूध दूध बताओ कैसा राम जी, दूध बताओ कि कितना? 7 लीटर एक टाइम का। बढ़िया, गारंटी। आप कहाँ से हो? मैं राजनगर। कहाँ है ये? ये राजनगर सीतामऊ लखनऊ के पास। सीतामऊ के पास क्या लगा है? क्या लगा है? 70,000 लगा है मैंने। 70,000। देखो उनको कुछ बोलने में तकलीफ नहीं हुई उनने, आप बताओ सही साठ। और बड़ा तो बड़ा कौन आ मेरे हर बार आए और खोटी मांगे। 70-80 की मांग रहे हो? देश ले सीधी मांग। धन चिपके हुए दादा है ना, इसी तो पैसे लगाए अपने ने वही। हाँ, इसीलिए कम पैसे लगा। बिक गई क्या है? हाँ बिक गई। भेज दी। बहुत बढ़िया पाड़ी है। झूठ झूठ क्यों? तो झूठ तो बहुत ही चल रही बाजार में। झूठ तो झूठ के धंधा ही झूठ का है, धंधा ही झूठ का है। झूठ वाला वीडियो ये इस मंडी इस मंडी में 300 कोई झूठा है नहीं। ये जन्मा ये वीडियो क्यों? एक नंबर का चोर जन्मा ये चोरू में तो पूरी मंडी का माल ले गया। बेच दी? बेच दी। कितने में दी? 1,21,000 की दी। 1,21,000 भाई को। बहुत बढ़िया। रईस भाई कहाँ के हैं? ताल के। ताल के? हाँ, रईस भाई ताल वाले। बहुत बढ़िया हनुमान है, अच्छी भैंस है। मान सम्मान। आप कहाँ से ओरिजिनल में? जोधपुर जिला बिल्लाडा तहसील। भैंस कौन से जंगल की है? वो अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर। कौन सा जंगल? वो पिपाड़ सिटी। पिपाड़ सिटी से? हाँ। बिक गई तो कितना दूध दे देगी अपनी भैंस? 8 लीटर दूध देगी टाइम का। टाइम का? और भी भैंस है अपने पास? अपना 8 भैंस लेके आए, अब सिर्फ 2 बची। 2 ही बची है। बहुत जी, आप कहाँ से आए? खेड़ा से, पीतमपुर। पीतमपुर खेड़ा? अच्छा, बराबर बराबर। और कालू बा कैसे हो? ठीक है साहब। अच्छी भैंस है? हाँ, भैंस तो अबे ग्यावन तो बिक गई। जनेल खड़ी है? जनेल है। ये दूजात में, ये भी दूजात में। अच्छा, उसका बच्चा बड़ा है? हाँ बच्चा बड़ा है। उसकी मांग क्या है? बच्चा उसकी क्या मांग है? अब मांग तो ज्यादा ही करा अपन, लमसम इसको बेच देंगे। देखो 80-82। और ये छोटे बच्चे की? ये छोटे बच्चे की है, ये दूसरा गाड़ी है। हाँ, ये भी बिक जाएगी। अंदाज मांग तो ज्यादा करे एक एक। अच्छा, मांग एक एक कर रहे हैं। तो कालू बा क्या हाल चाल है? कितनी लाए थे आज? लाए तो 5 भैंसियां हैं। हाँ, 3 खड़ी है। जनेल 3 खड़ी है। देखिए आप कालू बा की भैंस देख रहे हैं, ये बता रहे कि 75 तक दे देंगे। पीछे से देखते हो, अच्छी पाड़ी है जो दुजात में है, ये बड़े पाड़े में। ये कितना दूध दे देगी? ये अभी 6 लीटर मौजूदा है मेरे अंदर। 6 लीटर मौजूद है? कहाँ से निकलेगा यार 6 लीटर दूध? गड्ढा तो दिख नहीं रहा इतना। पूरा बार बार तो
तेरे रोज रिजनली आवार 3 लीटर बहुत रोज ये पहला है। कितने दिन की बच्ची? ये रहेगी 6-7 रोज की बच्ची होगी। क्या मांग रहा है इसके? अरे मांग इसका 70,000। 70,000 ये वाजिब मांग नहीं करते हैं, वाजिब मांग करते हैं थोड़ा बहुत उसमें जो चलता ही है। तो दोस्तों एक भैंस हम देखते हैं जो बहुत बढ़िया क्वालिटी की भैंस है और करीब करीब 5 लीटर दूध आसपास मेहनत करने पे निकालेगी। अभी 4 लीटर दूध मान के चले, ताज़ा ब्याई नीचे बच्चा, और अनुमानित कीमत रखती है 70-75 हज़ार रुपये। तो देखते हैं मांग बताओ। मांग तो 80 है। 80 और लेने देने की? लेने देने की कर लेंगे, फिर भी 75 की दे देंगे। 75 की अच्छी भैंस है, बढ़िया। 5 लीटर कल की जनी हुई है। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट जो कि हमने करीब सुबह सुबह का अपडेट दे दिया है। अगर हो सकेगा तो आज शाम का भी अपडेट देंगे हम। एक बहुत बढ़िया पाड़ी कितने मिली दादा है? ये ली साहब 100,000। बहुत बढ़िया मुर्रा क्वालिटी की पाड़ी जा रही है। तो दोस्तों सपोर्ट करें और किसी भी तरफ पर विश्वास ना करें आप। किसी भी व्यक्ति, यूट्यूब वीडियो, व्यापारी, अपने अनुभव से ही आप खरीदी करें। तो दोस्तों ली क्या? हाँ ये ली है। कितने में? ये की है 65,000। 65,000 में? देखिए आप 65,000 में कहाँ जा रही है? महाराष्ट्र जा रही है, 5-5 किलो दूध बता रहे हैं। तो दोस्तों एक दूसरी जो पार्ट 2 वाली वीडियो जरूर आएगी। और जयराम जी की दादा तो देखते हैं इधर। हाँ राहुल भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। बिक गई क्या भैंसे? कौन सी? ये खोलो ना वो उधर वाली, देखते हैं। जनेल है क्यों? जनेल है के गाबन है? गाबन है। अच्छी भैंस है, हाइट में देखिए आप, बड़ी पीठ पुट्ठा बहुत चौड़ा है। और देखी जाए 15 दिन लगी है, 15 दिन लगी दूसरे बैच में जाएगी। अच्छा बहुत बढ़िया भैंस। चलाओ भैया अगर नीचे से देखते हैं हम तो अच्छी भैंस है, साफ सुथरी, हाइट भी बड़ी, पीठ पुट्ठा भी अच्छा। राहुल भाई क्या मांग रहे हो? 2,11,000। 2,11,000। दूध कितना दे देगी? 10 किलो से बाहर। 10 किलो बाहर देगी? बाहर देगी। बहुत बढ़िया भैंस। छोड़ने की क्या रहेगी? फाइनल दे देंगे 1,80,000। 1,80,000 दूसरात में है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये वाली भैंस थी जो दादा बात कर रहे थे कि हमने खरीदी है, बड़ी वाली भैंस। देखिए आप बहुत बढ़िया आर्डर क्वालिटी और करीब करीब 8-8 किलो दूध की कैपेसिटी है। 12 लीटर एक टाइम का दूध देगी भैंस। राहुल भैया 12 लीटर देती है क्या? हाँ गारंटी के साथ एक टाइम को 12। अच्छा तो देखिए आप भैया खोल रहे हो क्या? खोलने के बाद ही पता पड़ेगा भैंस कितनी बड़ी है। 12 लीटर बता रहे हैं और मैंने 8 लीटर बताया था राहुल भैया को। भैंस क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है। अगर पीछे से देखते हैं हम वास्तव में बहुत बड़ा गड्ढा। गाबन है क्या? चढ़ेल है। अच्छा वही तो बोल रहा हूँ, खाली हुई है। देखो दोस्तों खाली करने के बाद भी भैंस के गड्ढा करीब करीब लगता है कि तो वास्तव में देगी 8+ में। राहुल भाई 12 लीटर बता रहा है। अच्छी भैंस है जो राहुल पटेल ने ये डील करवाई है 1,40,000 में, जो वीडियो में दादा बता रहे थे कि हमने खरीदी यही वाली भैंस है। वो 5 किलो दूध निकाल के पास करके गए हैं। 5 किलो निकाल लिया।
पास करके गए भैया। बहुत बड़ी बड़ी भैंस बेचते हैं मंडी में, हर बार हम इनकी वीडियो बनाते हैं, तो भैया एक बार लोगों को दर्शकों को डिटेल दे आपका नाम। मेरा नाम राहुल है। कहाँ से हैं? नागौर जिला से। नागौर जिले से, भैंस भी नागौर जिले की होगी सारी। नागौर जिले। कितनी भैंस लाए आज? आज लाए 35 भैंस। 35 भैंस, इससे और ऊपर में कीमत में? इससे ऊपर तो एक भैंस 1.5 लाख की। 1.5 लाख की, 40 लोगों को पता चलेगा। अभी तो कोई खरीदने वाला है नहीं यहाँ, तो वो कितने में देना, कितने में देना है वो जो लाल, वो अभी रोड पे अपन ने कवर किया? 1,80,000 से कम नहीं देनी। अच्छा, 1,75,000 रुपए उसके लगे। तो दोस्तों ये भैंस दादा ने खरीदी है, जो अपन बड़ी भैंस देख रहे थे। और एक बार फिर आपका नाम? फतेह सिंह। कहाँ से? थानला तहसील जाबुआ से। थानला तहसील जाबुआ से। आप यूट्यूब देख के आए थे, राहुल भैया से कांटेक्ट करा था आपने ना? उन्होंने भैंस कितने में दिलवाई है? 1,40,000। 1,40,000। और इनने क्या मांगे थे? 2 लाख। 2 लाख मांगे। 2 लाख। अच्छी जम गई आपको भैंस? कीमत में जमी के नहीं? आप आपको देख के 1,40,000 में नहीं मरना है गाड़ी में। अच्छा, 1,45,000 दे। ये राहुल भैया हैं, और ये ही राहुल भैया को भैंस दी इन्होंने, तो ये बोल रहे कि राहुल भाई को देख के दिए 1,40,000 में। हर बार देते हैं ना राहुल भैया, तो दादा आपकी क्या उम्मीद थी, कितने में दे देंगे? तो 1,30,000 तक। 1,30,000 करा था आपने, फिर दिया तो फिर 1,40,000 करा। नहीं, आपने जब पहली बार देखी इसको आज आके, तो आपको क्या लगा कि कितने? 1,50,000 से कम नहीं देंगे ये। कितने मन में विचार क्या आया था, कितने में मिलेगी वो भैंस? हाँ, ये तो अच्छी भैंस तो अच्छी है। हाँ हाँ, नहीं आपने क्या सोचा था, 1.25 में मिलेगी कि 1.5 में मिलेगी कि 2 में मिलेगी? 1,40,000 तक जाना। 40 का ही विचार था। राहुल भैया से कुछ फायदा हुआ? हुआ ना। क्या फायदा हुआ? छोटी और ले रहे हैं। ली है ली है। वो कितने में ली? 70 में। ठीक भैया, धन्यवाद। 1,40,000 की भैंस का पीठ पुट्ठा देखिए आप, और सभी भैंस से देखो हाइट कितनी ऊंची जा रही है। गड्ढा देखते हैं दूध निकलने के बाद भी, देखिए आप, बहुत बढ़िया देगी दोस्तों 8-9 लीटर दूध आराम से। दादा वीडियो देख रहे हैं खरीदने वाले, तो एक बार अपने घर जरूर बुलाए, 8 से 10 दिन बाद वीडियो दिखाए लोगों को कि कितना दूध दे रही है। और आप सभी को 15 अगस्त की एडवांस शुभकामनाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, और जय श्री महाकाल। बोल बम बम बम, एक बार जरूर महाकाल बाबा की जय जयकार करें आप। एक और बड़ी भैंस देखिए आप, अगर नीचे से देखते हैं तो पेलोट लग रही है मुझे, गाबन है। गाबन है भैया? क्या मांग था? सही मांगना यार। 1,60,000। 1,60,000 फर्स्ट में पहले में। ठीक है, बड़ी दोस्तों ट्रांसपोर्ट उपलब्ध होता है, जो कि देखिए आप, और इस साइड भी होटल जहाँ खाने पीने की फुल व्यवस्था। तो ट्रांसपोर्ट का बोल रहे थे हम, गाड़ियाँ खड़ी होती है ऑल इंडिया के लिए। तो दोस्तों पहले ट्रांसपोर्ट की चर्चा करके ही भैंस खरीदे दूर से, जो अगर ज़्यादा दूर से आते हैं 1,000-1,500 किलोमीटर से, तो निवेदन है ट्रांसपोर्ट वाले से संपर्क करके ही भैंस की खरीदी करें, अन्यथा आप फंस जाएंगे। आप नागौर से हो? ये मामा जी की दुकान जो बहुत फेमस है, समोसा कचौरी गरम गरम मिलता है यहाँ, और अब बहुत अच्छी सेवा देते हैं। गेंदा लाल जी की दुकान देख रहे हैं आप, दलौदा वाले की।